साथियों, जो पाकिस्तान हमारा खून बहाए, आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तान हमारा खून का प्यासा हो, हम अपना पानी बहाकर उसे दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? जो पाकिस्तान भारत को हजारों घाव देने के सपने पाले, उसे हजारों लाख लीटर पानी देना क्या सही था? वो भी तब जब उस पानी पर भारत का अधिकार है, वो भी तब जब उस पानी से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बड़े इलाकों की प्यास बुझ सकती है। हमारे हक का पानी रुकना चाहिए था या नहीं? हमारे हक का पानी रुकना चाहिए था कि नहीं? जो कांग्रेस इतने दशकों तक भारत के हक का पानी, बीकानेर के हक का पानी, जो पानी तक को रोक नहीं पाई, वो आतंकवाद को रोक पाएगी क्या? अरे पानी नहीं रोक सकते हो तो आप आतंकवाद को कैसे रोकेगे? ये जो तुमने पानी रोका नहीं है ना, वरना उसी पानी में डूब मरना पड़ता। साथियों, आपके इस चौकीदार ने भारत के हक के पानी को और आतंकी कारस्तानी को, दोनों को ही रोकने के लिए काम किया है। आजकल आप देख रहे हैं कि सीमा पर आतंक के आकाओं को दिन रात मोदी सपने में आता है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद परसों आतंक के आका मसूद अजहर पर हुई स्ट्राइक ने पाकिस्तान की हालत, क्या हालत हुई पाकिस्तान की? आप खुश हैं? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों और बहनों, आज उनको भी डर लगता है जो चार दशक से भारत को डरा रहे थे, दहला रहे थे, पाकिस्तान पर, आतंकी फैक्ट्रियों पर ताला लगाने का दबाव जैसा आज है, वैसा पहले कभी नहीं था। साथियों, ये वही पाकिस्तान है जो कांग्रेस की मजबूर सरकार में दिन रात अपनी दांत दिखाता था। ये वही पाकिस्तान है जो हर आतंकी हमले के बाद भारत को ही धमकाता था, और कांग्रेस की सरकार जुबानी जमा खर्च करके चुप हो जाती थी।